सेक्टर 55 स्थित तहसील में आज उच्च अधिकारियों के आदेश पर सीएम फ्लाइंग डीएसपी राजेश चैची के नेतृत्व में टीम ने सरप्राइज चेकिंग की ताकि जाना जा सके कि तहसील में कितने कर्मचारी ड्यूटी पर आते हैं और कितने कर्मचारी नहीं आते हैं। इसके साथ यह भी जानने की कोशिश की कि क्या यहां आने वाले लोगों के काम हो रहे हैं या नहीं। लेकिन इस छापेमारी में सीएम फ्लाइंग को ऐसे दर्जन पीड़ित लोग मिले जो अपनी जमीन का मोटेशन करवाने के लिए घूस भी दे चुके हैं लेकिन पिछले एक साल तक चक्कर लगाने के बावजूद उनके काम नहीं हुए हैं। पहले 13,000 रुपए दिया मैंने तीन मोटेशन अपडेट करने के लिए। वो मोटेशन वो अब तक मेरी अपडेट नहीं है, उसके लिए भी मेरे को डेली चक्कर काटने का पड़ रहे हैं। मुंह मांगे पैसे देने के बावजूद भी चक्कर काटना पड़ रहा है। तो किस चीज के पैसे दिए थे आपने? जी सर, मैंने तीन मोटेशन के इन्होंने मुझसे 15,000 रुपए मांगे थे। आज सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई है, कितने बंदों के नाम आए जो लोग परेशान है? जैसे इसमें तकरीबन 10 से 15 बंदे हैं जो बिल्कुल जिन्होंने पैसे भी दे रखे हैं जिन्हें काम भी नहीं हो रहा और जो परेशान चक्कर भी काट रहे हैं। सारी चीज है, सुनवाई कोई है नहीं। तो आपने अधिकारियों को जी मैंने लिखित में भी कंप्लेंट दी है। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ? 10 साल पहले प्लॉट दिया था पत्नी का, अपनी घरवाली के नाम से जी। एक साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। पहले यहाँ कुल भारत भूषण जी थे पटवारी जी, उनके पास पहले आया तो उन्होंने 7500 मांग करी जिनको मैंने 7500 दे भी दिए। उसके बाद में उन्होंने घूमा करने लगे, तहसीलदार के पास भी गया मैं कितनी बार। फिर उसके बाद में वो पटवारी चेंज हो गया, पटवारी मनोज पटवारी जी आ गए, इनके पास भी आया तो यहाँ मानसिंह नाम का व्यक्ति था जो इनके पास मैं काम करता, उसने भी मैं 7500 मांग करी जिनको मैंने पैसे दिए। तो उन्होंने 5500 रुपए अमित पटवारी जी द्वारा पैसे दिए थे मैंने, जिनपे अभी 2500 रुपए रह गए। अब तहसीलदार के पास में गया मैं, तीन बार रिक्वेस्ट हुई, चौथी बार गया तो उन्हें 25,000 रुपए। आज उच्च अधिकारियों के आदेश से ये सरप्राइज चेकिंग थी। सुबह एक तो कर्मचारी कितने समय पर आते हैं कितने नहीं आते, और दूसरा ये कि कितने लोग इसमें पीड़ित हैं, यानी कितने लोग हैं जो दुखी हैं जिनका काम समय पर नहीं होता है, मांगे जाते हैं। तो आज इस समय में जांच की थी तो बहुत से लोग जो मिले उनसे भी पूछताछ हुई है, कुछ लोगों ने लिख के भी दिया है जो अपनी अपनी ग्रीवेंस है। और अब